الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تيسر وتمم بالخير. तो अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9 आपने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 वगैरह में आपने ये देखा कि बाब इफ्ताला जो है इस बाब इफ्ताला में तो हमें तो पता ही है भाई एक तो फा कलमा से पहले हमजातुल वसल इस्तेमाल होता है और फा कलमा के बाद एक ता ऐड हो जाती है तो वो बन जाता है इफ्ताला. लेकिन हमें एक प्रॉब्लम थी इस बाब में वो ये था कि अगर ये एक बाब जिससे हमने पहले सुलासी मुजर्रद जिससे हम पहले बाबी इफ्तिआल बनाएंगे अगर वो दाल जाल या जा से शुरू होने वाला था तो उसमें क्या हो जाएगा उसमें ता जो है ता दा में चेंज हो जाए जी गा हाँ ता दाल दा ता जो है दाल यानी जहामा जो है ये इज दहामा बनेगा ना कि इज तहामा इज ता हमा क्या बनेगा फिर असल में इज द शाबाश. दूसरा पॉइंट जो हमने यहाँ पढ़ा था कि अगर सुलासी फेल का फा कलमा जो है अगर वो स्वाद हो जवाद हो ता हो जवा हो ये चार तो बाबी इफ्ताला की ता जो है वो तोय में चेंज हो जाएगी उर्दू तोय में चेंज हो जाएगी जैसे साबारा इसका बनना चाहिए था इस ता तेज बरता इस तबारा लेकिन ये बनता है इस तोबारा तो जबरता इस तोबारा. इसी तरह है जराबा इज तोराबा तो नकि तोई नकि ते सॉरी तोई बनता है इज तोराबा. इसमें एक पॉइंट आया था कि जलमा जो है वहां तो फिर जोय में चेंज हो जाती है वो बनता है इज लमा इज जलमा इज जलमा क्या बनता है इज जलमा इज़ालमा. इसी तरह हमने ये भी पढ़ा था कि अगर फ़ाइले सुलासी जो है मिसाल हो यानी फ़ाइले मुअत्तल यानी मिसाल वावी हो तो उसका वाव जो है ता में चेंज हो जाता है जब हम उसको बाबी इफ्तिआल में ले जाएंगे. जैसे एक वर्ड था वका मीन्स उसने बचाया तो जब इसको बाबी इफ्तिआल में ले जाते हैं तो बनता है इत्तका नहीं कि इव तका नहीं ये बनता है इत तका. तो ये तीन इम्पोर्टेंट चीजें थी जो हमने पढ़ी थी. अब इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखकर जरा क्वेश्चन नंबर 9 को आज हम देखते हैं. आने वाली मिसालों पे जरा गौर कीजिए लिबादी इफ्ताला बाबी इफ्ताल इफ्तियाल की वह अयन फीहा अलमादी कहाँ है मुदारा कहाँ है वल अमर والمشتقات المختلفة اور مختلف مشتلقہ مشتقات جو ہے ان کو ذرا پوائنٹ آؤٹ کیجئے. جیسے پہلی مثال ہے جو میں پڑھوں گا خود فی التنزیل قرآن پاک میں آیا ہے یوم نقول لجہنم جس دن ہم جہنم سے کہیں گے هل امتلأت کیا بھر گئی وتقول تو وہ جواب دے گی هل من مزید کیا کچھ اور ہے کیا کچھ اور ہے هل من مزید is there anything else कुछ और है क्या. इस सेंटेंस में इन दो आयतों में एक फेल है इम्तला इम्तलात ठीक है ये इम्तला जो है फेल माजी है और उसकी मोनस की शक्ल है इम्तला क्योंकि जहन्नम जो है मोनस है इसलिए यहाँ भी मोनस आ गया इम्तला तो ये फेल माजी है. अब दूसरी आयत शुरू कीजिए आप हम वसीम से शुरू करेंगे दूसरी आयत قال الله تعالى وامر اهلك بالصلاه واستبر عليها اپنے اہل عیال اپنے اہل کو صلاۃ نماز کی اور صبر کی صبر نماز کا عمل کرو یعنی نماز کا حکم کرو اور اس پر صبر کرنے کا حکم دو. ڈاکٹر صاحب آپ اسی ٹرانسلیشن سے متفق ہیں وامر اهلك بالصلاه واستبر لینتھ ہے زیادہ हाँ आप शॉर्ट कीजिए वामुर अहला का बिसरा अपने आयाल को नमाज का हुक्म दीजिए वस्तबिर अलैहा और उस पर डटे रहे. हाँ ये ज्यादा अच्छा ट्रांसलेशन है यानी डटे रहने का अमल किस पर है हुक्म देने पर नमाज नमाज पर
नमाज पर या उस प्रोसेस पर, क्या आप वो प्रोसेस करेंगे रोज रोज अपने आल आयाल को नमाज का हुक्म देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे, थकेंगे नहीं? ऐसा नहीं है कि आप एक बार कह दिए अपने भाई को अपने बच्चे को आप कह दिए कि नमाज पढ़ो, उसने नहीं माना तो आपने छोड़ दिया। कंसिस्टेंसी वस्तबिर अलैहा। बहरहाल हम तफसीर में नहीं जाएंगे, वो आप तफसीर में खुद पढ़ेंगे वस्तबिर अलैहा। चलिए अब मुझे बताइए इसमें अमर है सर, वस्तबिर वस्तबिर, शाबाश बहुत अच्छा। चलिए डॉक्टर साहब आगे पढ़िए। أستمع إلى تلاوة القرآن القرآن الكريم من الإذاعة كل صباح. ما شاء الله. أستمع. إذاعة ملكية من إذاعة من ستيشن راديو سي. أشكرك. तो आस्था में सुनिए कुरान की तिलावत, कुरान करीम की तिलावत फ्रॉम रेडियो से हर सुबह। ये आस्था में जो है इसको आपने क्या बना दिया, अमर बना दिया? अगर ये अमर है तो रफा क्यों है? शाबाश वसीम जी सर, डॉक्टर साहब की हेल्प करो। वो गौर से सुनता है। ये तो हमजा है, वो कहां से लाया आपने इसमें? हमजा जब हम इस्तेमाल करते हैं तो किस में करते हैं? तो अमर, अमर अमर में करते हैं। और फेली मुजारा के मुतकल्लम के सेगे में करते हैं, मुतकल्लम के सेगे में। तो आपने वो मुतकल्लम के सेगे, ये तो इसका जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं टू हियर, टू हियर। हियर मीन्स जब आप बिला इरादा सुनते हैं, जैसे आप किसको कहते हैं आई हर्ड दैट that the teacher has not come today. I heard that. Samitu anna al-ustaz lam yahdur al-yawm. Dusra hai to listen. Usko bolte hain istama'a yastami. Jab aap consciously sunte hain, aap news ko hear nahi karte, aap news ko listen karte hain. Aap ghar jate hain, switch on karte hain ya mobile open karte hain, aap news ko sunte hain, gaur se sunte hain. आप इरादे से सुनते हैं तो उसको बोलते हैं आई लिसन टू न्यूज, न कि आई हियर न्यूज। इंग्लिश में दो वर्ड जो है ना, इसको जरा याद रखिए। अरबी में भी इसी तरह है। अगर आपने यूं ही सुना कि तो आप कहेंगे समय तो अन्ना 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 यानी अन्ना हाजा यानी अल हादिस यानी वका होना का हादिस, मैंने सुना कि कोई एक्सीडेंट हो गया है। जैसे एक शायर ने ये शेर कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, समय तो अन्ना रसूल अल्लाह अवअदनी والعفو عند رسول الله معمول। मैंने सुना है कि अल्लाह के रसूल ने मुझे धमकी दी है, कत्ल की धमकी दी है, हालांकि अफू और दरगुजर जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेवा है, वो उनका तरीका तो अफू और दरगुजर है, वो धमकी नहीं देते, वो कत्ल की धमकी नहीं देते। ये जुहैर बिन अबी सलमा था, सॉरी काब बिन जुहैर थे शायद, काब बिन जुहैर ही, हाँ। तो उन्होंने शायद अल्लाह के रसूल में हिजू की थी, तो थोड़ा फिर उनमें ये होता था कि जहाँ भी मिले वो उसको कत्ल कर दो। फिर उसको लगे, जब वो मतलब उसको लगा कि अब मैं बच नहीं सकूंगा, तो उसने वो चूंकि शायर का बेटा था, शायर ही था, तो उसने एक शेर एक कसीदा लिखा अल्लाह के रसूल की इसमें मदह में। उसका पहला शेर यही था, समीत अन्ना रसूल अल्लाह अवादनी वल अफ इंद रसूल अल्लाह मामूल। फिर हजरत अबूबकर के पास आया, यार मुझे किसी तरीके से बचाओ। फिर जब ये कसीदा उसने पढ़ा अल्लाह के रसूल के इसमें दरबार में, तो अल्लाह के रसूल ने उसे माफ कर दिया। अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं उस कसीदे को जरूर पढ़ाऊंगा आपको इंशाल्लाह। और हसन बिन साबित का एक और कसीदा है, वो बहुत ही मजा है, हैं? तो मजेदार है, तो उसको भी पढ़ाऊंगा। बहरहाल तो हियर मीन्स समिया, जब आप बिला इरादा सुनते हैं, आप कहते हैं आई हर्ड दैट समथिंग रॉन्ग इज हैपनड इन द कॉलेज, आई हर्ड दैट समथिंग रॉन्ग इज हैपनड, सम गुड न्यूज इज गोइंग टू कम फ्रॉम चाइना वगैरह वगैरह, तो उसको आप कहते हैं कि यूं ही मैं
सुन रहा था, लेकिन लिसन मीन्स जब आप इरादे से आप टीवी ऑन करते हैं, रेडियो ऑन करते हैं, मोबाइल ऑन करते हैं, तो आप लिसन करते हैं उसी, तो चूंकि यहां भी ये कहता है हर सुबह मैं ये करता हूँ, अस्तमियो इला तिलावत, आई लिसन टू देयर इज अ कुरानिक रिसाइटेशन, ए रिसाइटेशन ऑफ द कुरान, होली कुरान फ्रॉम द रेडियो एवरी मॉर्निंग, कुल्ला सबाहिन, एवरी मॉर्निंग मॉर्निंग। चलिए अब नंबर फोर पढ़िए। يقول المذيع أيها المستمعون الكرام إليكم نشرة الأخبار شباب المذيع किसको बोलते हैं إذاعتون से निकला है ना إذاعتون से निकला है ना सर या हम कहेंगे खबरें कहने वाला है ना खबरें कहने वाला क्योंकि वही कहेगा ना देखो नशरतुल अखबार किसको बोलते हैं नशरतुल अखबार न्यूज़ बुलेटिन लिखो 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 नोट करो उसको याद करो नशरतुल अखबार मीन्स न्यूज़ बुलेटिन न्यूज़ बुलेटिन शाबाश अल मुज़ी किसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट यू नो ब्रॉडकास्टर है ब्रॉडकास्ट शबाश अल मुस्तमीउन इस्तमा मीन्स टू लिसन मुस्तमीउन इसका क्या है इसमें फाइल तो ये क्या हो गया माने में सुनने वाले यानी सामीन किराम सामीन अय्युह अल मुस्तमीउन अल किराम डियर ऑडियंस डियर सामीन किराम इलैकुम नशरत अल अखबार यानी ये लीजिए एक न्यूज़ ये लीजिए न्यूज़ बुलेटिन जिसको हम कहेंगे इलेकुम नशरतुल अखबार यानी अर्ज के लिए है जैसे अखबार न्यूज पढ़ने वाला कहता है खबरों का एक और बुलेटिन लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ या खबरों का एक बुलेटिन लेकर 7 बजे का बुलेटिन लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ इसी तरह न्यूज पढ़ने वाला अरबी में जो होगा वो यही अनाउंसमेंट करता है यकूल मोदी अय्युह अल मुस्तमीउन अल किराम या अय्युह अल मुस्तमीउन अल किराम आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं सुनने वाले है अय्युह अन्नास या माशर अल मुस्लिमीन इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं ना लेकिन यहाँ पे हम करते हैं अय्युह अल मुस्तमीउन अल किराम आप ज्यादा अक्सर जो है ज्यादा इस्तेमाल होता है उसी जगह कहाँ जहाँ खबरें होती हैं अनाउंसमेंट होता है वगैरह इलैकुम नशरतुल अखबार आपकी ये नहीं आपके मेरे एक न्यूज बुलेटिन हाजिर है चलिए बहुत अच्छा इसमें है ये वर्ड अल मुस्तमीउन है ना चलिए अब आगे पढ़िए नंबर फाइव دعوة الله في الملتزم نا پھر سے پڑھو دعوة الله في الملتزم پھر سے پڑھو شباش دعو دعوت الله یہ تو دعا ہے نا یہ دعا ہے دعا جب دعا اس کے ساتھ جب فائل لگے گا یعنی یہ ضمیر لگے گی فائل کی तो इसका लास्ट हर्फ जो है वो साकिन हो जाएगा क्योंकि अलिफ खुद साकिन होता है तो वाव में वो चेंज हो गया ये बन गया दाउ तो दाउतुल्लाह मैंने अल्लाह को आवाज दी अल्लाह को पुकारा फिल मुल्तजम फिल मुल्तजम मुल्तजम मीन्स रिक्वायरमेंट यानी हाजत के वक्त जब मैं मजबूर था तो मैंने उस वक्त किसको पुकारा अल्लाह को पुकारा शाबाश शाबाश लिखा आपने जी सर शाबाश अब बताइए मुझे इस सेंटेंस में कहीं इसमें बाबी इफ्तिआल का कोई चीज इस्तेमाल हुई है क्या दा है ना माजी नहीं ये तो माजी है लेकिन ये तो मुजर्रद है फैले सुलासी मुजर्रद ये बाब इफ्तिआल से थोड़ी है मुल्तजम मुल्तजम इसका ये माजी क्या होगा शबाश शबाश कोशिश करो ना 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 बाब इफ्तिआल में इसका इसका माजी क्या होगा मुल्तजम इल्फ़लाम काटेंगे फिर यहाँ मीम आया है ये इसमें फाइल मफू इसमें फाइल का तो इसको भी हटा देंगे और यहाँ अपने अलिफ लगा देंगे ये बनेगा इल्तजामा
इल्तजम यल्तजम इल्तजाम इल्तजम यल्तजम मीन्स इल्तजम का एक और मान ये भी आता है टू कंप्लाई विद टू स्टिक टू इस तरह की टू अबाइड बाय है यानी इल्तजाम हम इसको भी कहते हैं कि जब जो कोई इंसान शरा के मतलब की पूरी इतबा करता है तो हम उस वक्त कहता है कि उसने पूरे जो है इल्तजाम के साथ ये किया या पूरे मतलब वो एक मुल्तजम शख्स है दाउतुल्लाह फिल मुल्तजम ये इसमें ये मुल्तजम जो है ये क्या है इसमें मफ़ऊल है ना शाबाश लेकिन इसमें ज़र्फ़ ज़मान है ये क्योंकि यहाँ ये फ़ैल जो है इसमें मफ़ऊल नहीं आता है ज़र्फ़ मकान है सर मुतावा है ना इसका ये मतलब इसमें आता है कभी मतलब नहीं आता है ज्यादातर इसका ये जो है इसमें मफ़ऊल आएगा ज़र्फ़ ज़मान या ज़र्फ़ मकान के वक़्त ठीक है ये ज़र्फ़ ज़मान का है भाई मुल्तज़मीन उस वक़्त जब मैं परेशानी में होता जब मुझे हाजत होती है इंदल हाज बहरहाल क्वेश्चन सिक्स ये सॉरी सिक्स्थ पार्ट इब्तसिम ला तकुन आबिसन बहुत अच्छा इब्तसिम मुस्कुराओ ला तकुन आबिसन ला तकुन तू गम ना कर गम नहीं अबसा वतवल्ला अबसा से निकला आबिसन आबिसन मुसीबत से नहीं अबसा असल में कहते हैं मुंह बिसोरना जिसका हम कहते हैं अंग्रेजी में क्या कहेंगे उसको अंग्रेजी में कहते हैं क्या नाम है टू फ्राउन एफ और ओ डब्ल्यू एन फ्राउन हाँ जैसे आबासा वातावल्ला ही फ्राउनड एंड टर्न्ड अवे कुरान में आया है ला तकुन आबिसन फ्राउन मीन्स आबासा मीन्स डेकस खसस गेने और आबसा का माने यह भी है कि भाई ये मिस्ना बुतिस पर दो हसा सा मलाल जी सर उसको भी बोलते हैं अब्बास यानी मिस सिर्फ दो का मलाल सा दो हस बूम आसान इब्तसिम का अपोजिट है ये इब्तसिम मीन्स जिसके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट ये इब्तसम है इब्तसम मीन्स जिसके के मतलब चेहरे पे मुस्कुराहट बिखरना अबसा उसका अपोजिट है जी सर हाँ कॉन्ट्रैक्ट होना तो इस सेंटेंस में कहाँ है कौन सा वर्ड है इब्तसिम फेलो अमर है सर फेलो अमर इब्तसिम बहुत अच्छा नंबर एट नंबर सेवन इत्तसलतु बि अबी हातफियन व अखबु बि मौइद सफरी इत्तसलतु मैं पहुंचा ना वो तो वसल हो गया वसल तो मैं पहुंच गया इत्तसला यत्तसलु इत्तसाल मैं मुत्तसिल हो गया आई कांटेक्टेड अच्छा मैं बाप से मिला हाथ फी है मिला नहीं मैंने उसे कांटेक्ट किया टेलीफोनिकली अच्छा टेलीफोनिकली अखबार तो हो और मैंने उसको खबर दी बी मौईद सफरी अपने सफर के बारे में सफर के अपॉइंटमेंट सफर के टाइम के बारे में मौईद मींस टाइम में हां टाइम के बारे में चलिए बहुत अच्छा इसमें ये है यही वर्ड है इत्तसला इत्तसला अच्छा आपसे डॉक्टर साहब आपसे मेरा सवाल है अगर ये बाब इफ्तिआल है तो इसका इसका पहले सुलासी मुजरद क्या था इत्तसला का हाँ वसला था बहुत अच्छा और वसला से होने की वाव कहाँ है ये पढ़ा है और जब वाव हो जाएगा तो इसमें इदगाम होता है हाँ यानी वाव ता में चेंज हो जाएगी बहुत अच्छा नंबर एट कॉल ताला पढ़िए वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुकहु मिन हैसु ला यह बहुत अच्छा शबाश
ومن يتق الله اتقى يتقي ومن جو آ گیا یہ شرط ہے نا جی سر ہاں تو جب یتقی تو یا غائب ہو گئی یا حذف ہو گئی تو یہ ہو گیا رہ گیا ومن یتقی اور جو ڈرے یتق اللہ اللہ سے ڈری یجعل له مخرجن مخرجن مینز شباش لکھو جہاں کہیں بھی وہ ہو ہاں ہاں جہاں کہیں بھی وہ ہو نہیں نہیں مخرجن مینز وے آؤٹ انگلش میں آپ لوگ بہت کہتے ہیں نا کوئی وے آؤٹ نہیں ہے اس کو عربی میں بولیں گے مخرجن مخرجن مینز وے آؤٹ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے وے آؤٹ پیدا کر دے گا یعنی اگر وہ کسی مشکلات میں ہو کسی مشقت میں ہو تو اللہ اس کے لیے کیا پیدا کرے گا مخرج پیدا کرے گا نکلنے کی جگہ وے آؤٹ پیدا کرے وَيَرُ دُکھو اور دوسرا انعام کیا دے گا اور اس کو رزق دے گا مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وہاں سے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو احتساب یحتسب احتساب means to consider to assume جہاں سے اس کو کیا گمان بھی نہیں تھا وہاں سے اللہ اس کو کیا دے گا اللہ اس کو رزق دے گا دیکھو دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اب کیا ڈرنا ہے جب یہ ایسی آیت ہے سورہ قاف کی سورہ طلاق کی تو اب اس کے بعد مجھے بتائیے آپ کو کس چیز سے پریشانی مطلب پریشانی ہونی چاہیے بس اللہ سے ڈریے اللہ ہر مشکل میں آپ کے لیے جو ہے وے آؤٹ پیدا کرے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بس یہ کہیں گے میں اللہ سے ڈروں گا اور گھر میں خاموش بیٹھوں گا اور کوشش نہیں کروں گا نہیں کوشش تو کرنی ہے آپ کو چلیے ان دو آیتوں میں مجھے بتائیے کہاں کہاں باب افتعال یا اس کے مشتقات میں سے کوئی استعمال ہوا ہے شباز ہاں وسیم آپ بولو احتسب یحتسب ہاں ایک تو احتسب یحتسب ہے اور دوسرا وقع یقی ہاں اتقا یتقی ہے اتقا یتقی ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب شباز یتقی مظاہرہ اور یحتسب بھی مظاہرہ شاباش اب نائنتھ پارٹ پڑھیے کل مسلمون فی صلواتہم الی الابات المشرفات شاباش اتجہ یتجہ مینز متوجہ ہونا چہرہ کرنا رخ کرنا بہت اچھا بول رخ کرنا المسلمون مسلمان رخ کرتے ہیں فی صلاتہم نماز میں فی صلواتہم اپنی نمازوں میں نماز میں الی الکعبۃ المشرفۃ کعبہ شریف کی طرف کعبہ شریف کی طرف بہت اچھا شباش شباش ہاں اس میں کہاں ہے کوئی ہے کیا اس میں باب افتعال میں سے کچھ یتجہ بہت اچھا یہ ہے اصل میں وجہ وجہن سے نکلا ہے وجہ وجہ وجہن سے تو باب افتعال میں جب واو والا ہے چونکہ واو تا میں چاہے تو اتجہ بن گیا اس کا مضارع ہے یتجہ تو یتجہ جو ہے یہ کیا ہے یتجہ یہ فعل مضارع ہے کیا ہے فعل مضارع ہے اب میرا آپ سب لوگوں سے سوال ہے اگر یہ پہلے مدار ہے تو یہ ہا اس کے لاسٹ میں کیوں ہے سر یہ مفعول بھی ہے سر شاباش بہت اچھا فاعل کہاں ہے المسلمون آپ تو ابھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو پہلے لازم استعمال ہوتا ہے جس کو مفعول بھی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے اگر ضمیر کی حالت میں ہوگا کس طرح تجہ المسلمون تجہ یتجہ شباش مجھے لگا تھا کہ آپ نے بس ایسے تکا مارا اس لیے میں نے آپ کو اس پہ پکڑا
ये हा जो है, ये हा जो है ये इसकी अपनी हा है, ये अपना कलमा है, लाम कलमा। वजहुन है ना, अपना अपना लाम कलमा इसका वजहुन, वाव जीम और हा है ना। लेकिन कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई ये हा जो है ये तो जमीर है, शायद अलग जमीर जो इसके साथ लगी हुई है, समझ रहे हैं आप? जी सर। शाबाश, तो यही है मसला भाई, इसको याद, इसको समझने की कोशिश करो। अगर आपने अभी खुद पढ़ा इत्तजहा यत्तजिहु, फिर ये हा अलग से क्यों पढ़ेंगे हम? मैं सही बता रहा हूं कि नहीं? जी सर। चलिए अब टेंथ पार्ट पढ़िए। قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ومن ادعى ما ليس له فليس منا। ادعى है कि ادعى 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 क्या है ادعى ادعى जी सर ادعى افتعل نكي افتعل ادعى और ये दाल से शुरू होने वाला कलमा है दा, क्योंकि जब जब इसकी ता जो है वो फिर से वो भी दाल बन गई तो ये दो दाल जमा हो गए तो बन गया वर्ड इद्दा यद्दई। जी सर। शाबाश, पढ़ो। वमन वमन क्या वमन निद, अगर आप नूर मिलाएंगे इसके साथ तो आप पढ़िए वमन निद्दा मा लैसा लहू फलैसा मिन्ना। चलिए तो इसका माने क्या है? जिसने दावा किया किसी ऐसी चीज का, जो उस चीज का जो वो नहीं है, फलैसा मिन्ना वो हम ना वमनिद्दा माला सलहु, जो उसकी नहीं है, किसी ने जो किसी जो इसके पास नहीं है ना, जो उसकी चीज नहीं है। मिसाल ये तुशु वना है मैसे तुझ गाव बस वना ही गाव चमी इसमें जी सर पर्चना चाला चालक लोग छा हटबड़े वन तुम वन अक वन यह मे रम गाव मे रम मे बटव रोमत पांच हत मह जो इसका दावा करेगा भाई जो उसका है ही नहीं फल ऐसा मिलना वो हमें से नहीं है। इसमें कौन सा वर्ड है पाए बिफ्त्याल के साथ? इद्दा इद्दा माजी। अच्छा क्या है? माजी। शाबाश, अब अलेवंथ पढ़ो। خلیلا تو اس دن جب ظالم دیکھیں گے अपने अपने हाथों को और कहेंगे या लैतनी काश इत्तखज़्तु मअर रसूल सबीला, काश हमने पलटा होता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका रास्ता। या वैलता ना बर्बादी हम पे या वैलता लैतनी लम अत्तखिज फुलानन खैरा, बर्बादी हम पर कि हमने इन काश हमने उसको दोस्त नहीं बनाया होता। हां बनाया होता, बड़ा सेंटेंस है, बहुत अच्छा सेंटेंस। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज फुलानन खैरा, काश मैंने उसको अपना दोस्त न बनाया होता। तो अब इस आयत में कहां है भाई फैले इत्तखज़ा एक है, दूसरा अत्तखिज़, दूसरा भी अत्तखिज़, लम अत्तखिज़ है यानी इत्तखज़ा, इत्तखज़ा फैल माजी है और अत्तखिज़ ये अमर है पहले ना, अमर के अमर पर लम दाखिल हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये भी ये नहीं, लम अत्तखिज़ु अहले, लम अत्तखिज़ु ये है लम अत्तखिज़ु मुतकल्लिम लम की वजह से मज़ूम हो गया। तो मुतकल्लिम में क्यों जाते हैं आप? मुज़ारा कहिए ना, पहले मुज़ारा मज़ूम हो गया तो ये पहले मुज़ारा है।
नहीं है जी सर। अच्छा यानी फैले मुदा है, अगर ये फैले माजी है तो ये क्या है? फैले मुदार है, क्योंकि लम फैले मुदार पर ही दाखिल हो सकता, दाखिल होते हैं। चलिए तो ये था भाई क्वेश्चन, एक जो बड़ा क्वेश्चन था, इसके साथ हमारा टाइम भी खत्म होगा, लेकिन हम कुछ और चीजें पढ़ सकते हैं। बहरहाल देखिए क्या कह रहा है, इत्तखज़ा इफ्तअला मिन अखज़ा, ये तो हमजा से शुरू होने वाला कलमा है। असलुहु इत्तखज़ा इत्तखज़ा, यानी हमजा से पहले अलिफ और हमजा के बाद था, लेकिन उद्गिमत अल हमजा तो फिर था, ये हमजा जो है ता में मुद्गम हो गई, जैसे वाव मुद्गम हो गई थी, ठीक है, जैसे वाह वसाला से इत्तासाला, इसी तरह अखाजा से इत्ताखाजा। तो याद रखिए उसको भी आप उसके साथ मिलाएंगे, किसके साथ? मिसाली वाव के साथ, यानी जो महमूदुल फा है और जो मिसाल वावी है, इन दोनों के लिए ये कायदा सेम है। क्लियर हो गया? जी सर, जी सर। चलिए सर अब आइए, ये एक पॉइंट है छोटा सा जो आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन हम फिर भी इसको दोहराते हैं। हमजा प्लस इफ्तअला, ये आपने वहां भी पढ़ा था, हमजा प्लस इन कसरा या हमजा प्लस इन फ़ाला इज इक्वल टू अन फ़ाला, यहाँ है इज इक्वल टू अफ्तअला, यानी अगर बाब इन्फ़िआल या बाब इफ्तिआल से पहले हमजातुल वसल ये हमजातुल इस्तिफ़हाम आ जाए, तो इसका ये हमजा जो है इसको ड्रॉप किया जाता है और इसकी जबर को डायरेक्ट फा के साथ मिलाकर, वहां तो नून होता है, नून के साथ मिलाकर पढ़ना पड़ता है, वहां इन्फ़िआला होता है, हमजा को ड्रॉप करके हम डायरेक्ट हम इस हमजा को हमजातुल इस्तिफ़हाम को नून के साथ मिलाकर पढ़ते हैं, तो वहां बन जाता है अन्फ़िआला, तो यहाँ बन गया अफ्तअला। क़ाल तआला, अल्लाह फरमाते हैं कुरान पाक में अस्तफा अल बनाति अल बनी, यानी असल में इस्तफा यस्तफी मीन्स टू चूज, चुनना अल बनात लड़कियों को अल बनी लड़कों पर, क्या उसने चुने लड़कियों को, चुना अल बनी किन पर? लड़कों पर, लड़कों पर, लड़कों पर, लड़कों पर उसने फौके दे दी, चुन लिया किनको? लड़कियों को, ठीक है। तो यहाँ भी हमजा इस्तेमाल हो गया, तो इस दफा का अपना हमजा जो था उसको ड्रॉप करके सौद के जज्म को डायरेक्ट इस हमजतुल इस्तेफाम के साथ मिलाकर पढ़ा गया, और आम जो पढ़ने वाले लोग हैं जो ग्रामर नहीं जानते उनको यहाँ भी इसी तरह से कंफ्यूजन होता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ अन कसरल कुब, क्या प्याला टूट गया, यानी आप कहेंगे इन कसरल को प्याला टूट गया, मैं कहता हूँ अन कसरल को क्या प्याला टूट गया, इसी तरह आप कहते हैं इस्तफल बनात उसने लड़कियों को चूज किया अल अल बनी किन पर, लड़कों पर, लड़कों। ये तो शायद गालिबन शायद उस काफिर जो कहते थे कि अल्लाह फरिश्ते जो है अल्लाह की बेटियां हैं, तो फिर अल्लाह ने कहा कि जब आपको किसी को आप में से किसी को ये खबर दी जाती है कि भाई उसकी बेटी हो गई, उसके यहाँ उसकी बीवी ने बेटी को जन्म दिया, तो उसका चेहरा जो है मतलब उस पर कलक लग जाता है, आप खुश नहीं होते हैं। अब आप कैसे ये तस्वीर करते हैं कि भाई अल्लाह ताला को जो है वो क्या नाम है वो बेटियों को पसंद करेगा, खुद आप बेटों को पसंद करते हैं, ठीक है। तो गालिबन यहाँ इसी ये उसी के मुतालिक शायद यहाँ भी है सूरह सफात, मुझे इस पे पूरी नजर नहीं, आप उसको देखिएगा तफसीर में। तो ये कहते हैं अस्तफा अल बनात अल बनी, तो क्या उसने लड़कों पर उसको किनको चुना, लड़कियों को चुना। तो यहाँ पे अब हमारे पास सिर्फ एक मिनट का वक्फा है, तो हम आज की इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करेंगे, कल इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 11 से हम शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम।